राज्यसभा सांसद बनने जा रहे प्रकाश चिकबड़ाई का भव्य स्वागत। राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार के लिए कोलकाता में नामांकन दर्ज करवाकर शनिवार को अलीपुरद्वार पहुंचे तृणमूल के जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबड़ाई ने कहा, यहां सांसद होने के बावजूद भी इस इलाके की जनजातियों का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां की सभी समस्याओं को संसद में पेश किया जाएगा। अलीपुरद्वार स्टेशन में उनके स्वागत के लिए तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया था। प्रकाश चिकबड़ाई के ट्रेन से उतरते ही तृणमूल कार्यकर्ताओं ने ढाक ढोल बजाकर उनका स्वागत किया। खदा पहनाकर उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। अलीपुरद्वार तृणमूल कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रकाश चिकबड़ाई ने कहा कि मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और हमारे प्रिय नेता अभिषेक बनर्जी को, जिन्होंने मुझे राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा, मैं पार्टी के निर्देश के मुताबिक काम करूंगा। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव के परिणाम ने साबित कर दिया कि जनता की आशा आकांक्षा तृणमूल से है। उन्होंने कहा, यहाँ जितनी भी जनजातियां हैं, आदिवासी, नेपाली, राजवंशी, बोरो, टोटो, राभा, मेच, बंगाली, बिहारी, प्रत्येक जनजाति के लोगों के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मैं खुद चाय बगान का और गांव का लड़का हूँ, इसलिए उनकी समस्याएं मुझे अच्छे से पता है। उनकी समस्याओं को मैं पार्लियामेंट तक ले जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के वित्त मंत्री ने कहा था कि सोशल वेलफेयर के लिए चाय बेल्ट में 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये धनराशि आज तक श्रमिकों को नहीं मिली है। देश के 5 राज्यों में चाय बगान का उत्पादन होता है, लेकिन किसी भी राज्य को इसका पैसा नहीं मिला। इतने करोड़ रुपए कहां गए, मैं इसका पता लगाऊंगा।